पिछले कुछ साल में सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिमांड बढ़ी है और खासकर कोरोना के बाद कई लोगों ने इसे कमाई का जरिया बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से वाराणसी के रहने वाले अभिनव ने इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बिजनेस शुरू किया और अब हर महीने लाखों में कमाई कर रहे हैं। एक साल पहले उन्होंने मिट्टी, जूट और बांस से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था और अब देश भर में सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे हर महीने उन्हें 2 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। 25 साल के अभिनव की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी में हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए वे कर्नाटक चले गए। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2020 में उन्हें यूरोप से मास्टर्स करने का ऑफर मिला। उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इसी बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और वे यूरोप नहीं जा सके। अभिनव कहते हैं कि यूरोप नहीं जा पाया तो कुछ दिनों तक मैं काफी परेशान रहा। इसके बाद कुछ अलग करने की प्लानिंग करने लगा। चूंकि मेरी दिलचस्पी आर्ट एंड क्राफ्ट में थी, काफी दिनों से मैं चाहता था कि इस फील्ड में कुछ करूं, लेकिन पढ़ाई की वजह से नहीं कर पा रहा था। लॉकडाउन के दौरान जिस वर्ग को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसमें लोकल कारीगर भी थे। इनका काम बंद हो गया था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए ही कुछ किया जाए। इसके बाद अभिनव ने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, नाम रखा क्रिएट योर स्टार्ट। इस पर वे स्थानीय कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करने लगे। जल्द ही उन्हें बढ़िया रिस्पांस मिलने लगा। एक महीने में 10,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। कई लोग तो प्रोडक्ट को लेकर क्वेरी भी करने लगे, सवाल पूछने लगे और उसकी डिमांड भी करने लगे। इसके बाद अभिनव को रियलाइज हुआ कि इसे बिजनेस के रूप में शुरू किया जा सकता है। फिर क्या था, साल 2021 में अभिनव ने तय किया कि अब वे इसी में खुद का करियर बनाएंगे। इसके लिए घर वालों को राजी किया और उनकी मदद से 5 लाख रुपए की लागत से काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय कारीगरों से मुलाकात की, उनके काम को समझा, हर एक प्रोडक्ट की लागत और मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी जुटाई, फिर अलग अलग कारीगरों के साथ टाई अप किया और इंस्टाग्राम के जरिए ही मार्केटिंग करने लगे। हालांकि अभिनव के लिए यह राह आसान नहीं थी। शुरुआत के 2 महीनों में ही उन्हें ये समझ आ गया था कि हैंडमेड प्रोडक्ट बनाना और उसका कंटेंट क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है। इस काम के लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत होगी। इसके बाद उन्होंने काफी रिसर्च की, फिर उन्हें मालूम हुआ कि गाँव में रहने वाली महिलाएं लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट के काम में माहिर है। हालांकि दिक्कत ये थी कि उन्हें काम से जोड़ना और उनका भरोसा जीतना मुश्किल टास्क था, क्योंकि उन महिलाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही वे रेगुलर काम करने के लिए तैयार थीं। फिर भी अभिनव ने कोशिश की और वे इनका भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। धीरे धीरे वे अपनी टीम में कारीगरों की संख्या बढ़ाते गए और उन्हें नए नए प्रोडक्ट तैयार करने की ट्रेनिंग देते गए। इसका फायदा अभिनव को भी हुआ और उनके साथ कारीगरों को भी हुआ। जिन कारीगरों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता था, अब वे हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए तक कमाने लगे हैं। अभिनव के साथ 50 से ज्यादा कारीगर जुड़े हुए हैं और ये कारीगर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले अभिनव कारीगरों को उनके काम के आधार पर कैटेगराइज करते हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और जरूरी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। ये कारीगर कस्टमर्स के डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और इसके बाद अभिनव उन्हें अपने पास लाते हैं और क्वालिटी टेस्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फोटो वीडियो अपलोड कर देते हैं और इसके बाद ऑर्डर्स के मुताबिक प्रोडक्ट की पैकेजिंग और डिलीवरी होती है। भारत में ट्रेडिशनल आर्ट के फील्ड में भरपूर स्कोप है। बड़े शहरों में भी स्थानीय कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट की खूब डिमांड है। अगर आप भी यह काम शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले बुनकरों से मिलिए, उनके काम को समझिए, प्रोडक्ट की कीमत समझिए और यह भी पता करिए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी कीमत है। अगर आप वही प्रोडक्ट कस्टमर्स को कम कीमत में उपलब्ध कराते हैं तो लोग आपको बेहतर रिस्पांस देंगे। अगर आपका बजट कम है तो आप शुरुआत छोटे लेवल पर करिए, कुछ बुनकरों को अपने साथ जोड़िए, उनके बनाए प्रोडक्ट के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, निश्चित रूप से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑर्डर मिलने के बाद आप उस बुनकर से प्रोडक्ट कलेक्ट करिए, अपने कस्टमर को भेजिए। आप चाहें तो गिफ्ट के रूप में भी अपने रिलेटिव्स और बड़े सेलिब्रिटीज को भेज सकते हैं और इससे मुफ्त में आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। ऑर्डर और डिमांड बढ़ने के बाद आप अपना दायरा बढ़ाइए, दूसरे बुनकरों को भी साथ जोड़िए, सोशल मीडिया पर पेड एड रन कीजिए और लगातार पोस्ट करते रहिए। इसमें कंटिन्यूटी की बहुत जरूरत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से अभिनव ने
इंस्टाग्राम के जरिए अपने बिजनेस का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया और आज लाखों में कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और जल्द ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह के नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्द मिलूंगी एक और बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।